दोस्तों, UIDAI ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है जिसमें उसने कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट आधार डॉक्यूमेंट को अपडेट करिए, नहीं तो दोस्तों वक्त निकलने के बाद आपको पैसा भी देना पड़ सकता है और उसमें बड़ी बड़ी लाइनों और कतारों में भी खड़ना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, UIDAI ने घोषणा की है जिसमें बताया है कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2014, यानी कि 14 दिसंबर 2024 तक इसकी आखिरी डेट है, जिसमें कि आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना है, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ उसमें डालकर उसे अपडेट करवाना है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आप इसे कैसे कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसी जानकारी वाली वीडियो लाते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि आपका राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, पते वाले प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट पहचान और पते दोनों के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी या सीनियर स्कूल की मार्कशीट और दोस्तों ये सब चीज़ें इसमें लग सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह को अपलोड करते हो तो एक ही आईडी से आपके दोनों काम हो जाएंगे। आप एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों में वो काम आ जाएगा। अगर आप दोस्तों पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इसमें अपलोड करते हो तो आपको पैन कार्ड अलग आईडी प्रूफ के लिए अपलोड करना पड़ेगा और उसके अलावा फिर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अलग से दूसरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो क्यों ना दोस्तों हम एक ही आईडी के मदद से दोनों चीज़ों को, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों को अपलोड करें। तो दोस्तों मैं आपको इसमें वोटर आईडी के ज़रिए बताऊंगा कि आप अपने वोटर आईडी के ज़रिए इसे कैसे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में काम करेगा। एक वीडियो दोस्तों मैंने बनाई है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के डाल दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्ट उसे चेक कर सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां पे उसे कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हमें इस पेज पर आ जाना है दोस्तों, जो कि UIDAI की साइट है। आपको यहाँ पर आने के बाद लॉगिंग वाले बटन पर क्लिक करना है। आपको जो थंब का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ नीचे लॉगिंग है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ दोस्तों आपको ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद लॉगिंग विद OTP पे क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। आपको वो OTP को दोस्तों यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप OTP एंटर करते हो तो आपके सामने आपका ये आधार पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप फोटो पे क्लिक करके आपके आधार की डिटेल्स को पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपडेट का, आधार डाउनलोड का। आप PVC के लिए इधर से ऑर्डर दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए इधर अपडेट कर सकते हैं, बैंक सीडिंग चेक कर सकते हैं और भी दोस्तों बहुत सारे इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हमें डॉक्यूमेंट अपडेट करना है दोस्तों, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नेक्स्ट का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगेगा, जिसमें कि आपको आपके आधार की डिटेल दिखाई देने लगेगी। फिर दोस्तों आपको आई वेरीफाई पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये बता रहा है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट साइज जो है 2 MB का ले सकते हैं और JPEG की फाइल, PNG और PDF को इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है
और यहाँ पे जो ये एरो का निशान नजर आ रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, किसान फोटो, किसान का फोटो, पासबुक हो गया, बहुत सारे। लेकिन जब आप इसको एकदम नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ई वोटर आइडेंटिटी कार्ड, हमें इसी पे क्लिक करना है दोस्तों। ओके क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो ये व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपने कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको अपने गैलरी में से आपके आपने जो वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड किया है उसे अपलोड करना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे भी ये एरो पे क्लिक करना है और एकदम नीचे चले जाना है। नीचे भी आपको वही ऑप्शन नजर आएगा वोटर आईडी कार्ड, ई वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आपको इस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और आपको वो व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है और गैलरी में से आपको आपका वो वोटर आईडी कार्ड जो अभी आपने डाउनलोड किया है उसे अपलोड। ये अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक टिक मार्क लगाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। आपके डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुके हैं। अभी कुछ सेकेंड का वक्त लगता है। आपको यहाँ पे देखिए एक पॉपअप आ चुका है, डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14/12/2014 तक। आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा जहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ डाउनलोड करने के बाद ये आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे इसने आधार नंबर, SRN नंबर और इनवाइस नंबर, अमाउंट हमने जो नहीं पे किए है वो भी बता रहा है, किस डेट में हमने इसे पेमेंट दी है, अपडेट किया है, सब बता देगा। इस तरीके से दोस्तों आप इसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब जब आप इसके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों जब आप नीचे चले जाओगे तो आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन नजर आएगा। आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। आप जब इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आपको दिखा देगा कि आपका ड्राफ्ट स्टेज, पेमेंट स्टेज, वेरिफिकेशन स्टेज और वैलिडेशन स्टेज। फिलहाल हमारा अभी वैलिडेशन स्टेज पे है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये कंप्लीट पे एरो ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप अपने आधार को वक्त रहते हुए 2 मिनट के अंदर अपडेट करवा सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।